एक बार फिर सोच लो तारा। ये सोचने वाला काम तुम क्यों नहीं कर लेते सारे? तुम 6 महीने बाद भी तो एग्जाम्स देने पाकिस्तान आ सकती हो यार। मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम वही कर रही हो जो कई साल पहले तुम्हारी मम्मा ने पापा के साथ किया था। मामा उनके खानदान के साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उनको अपनी प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस चाहिए थी। एग्जैक्टली, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रही हो तारा? मैं तरस जाता हूँ तुमसे बात करने के लिए यार। सारे हम पहले भी तो ऐसे ही बातें किया करते थे ना, तुम घंटों मेरे ओटी और ओपीडी के बाहर बैठा करते थे, तुम भूल गए हो? हाँ, लेकिन अब मेरी तुमसे शादी हो गई है। तो क्या तुम मुझसे नहीं बैठा जाता घंटों यार? यहाँ पे मैं नहीं कर सकता इंतजार, बस। तो फिर मान लो कि तुम शादी के बाद बदल चुके हो। चलो मान लेते हैं मैं बदल गया हूँ, तो अब तुम बदल लो अपने आप को मेरे लिए। हर बार औरत ही क्यों चेंज करे, मर्द क्यों नहीं चेंज कर सकते खुद को? बिना वजह की बहस कर रही हो तुम। बात मेरी और तुम्हारी हो रही है, तुम औरत और मर्द को बीच में ले आई हो। मुझे कोई बहस नहीं करनी है तुमसे। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय। ये रिपोर्ट साथ आके डॉक्टर शबीर को दीजिएगा। यस जी, आप 5 मिनट बाद कॉल कर लीजिए, यहाँ पे भी डेस्क पे कोई है नहीं।